जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तुम कथा श्रवण करे मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरी श्री सिद्धपीठ सत्कुंभा धाम की जय। सभी सत्कुंभा निवासियों को परम हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 मार्च 2024 से लेकर 8 मार्च 2024 शिवरात्रि पर्व तक मंगलमय सिद्धपीठ सत्कुंभा धाम पर, जो कि सप्तऋषियों की भूमि है, वहां पर परम पूज्य श्री सीताराम बाबा महाराज के आशीर्वाद से और पीठाधीश्वर वर्तमान महंत श्री राजेश स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में मैं आ रहा हूं। मंगलमय श्री राम कथा का गान करूंगा और समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। तो सभी हमारे आसपास के ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि यह जो श्री रामचरितमानस का गान होगा, श्री राम कथा का गान होगा, उसे श्रवण कर जीवन को मुक्त करें और इसका आनंद लें। जय श्री राम। शंकर संकरो तो भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। आज सत्कुंभा उत्सव के आज तृतीय दिवस के उपलक्ष्य में आज आगे की बात है कि श्री राम और भगवान शंकर दोनों की आराधना साथ हो रही है और उन दोनों की आराधना में ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े हैं, हमारी माता और बहनें हैं, वो कितने उत्साह से आज इस उत्सव का अमृत पान कर रहे हैं। सनातन धर्म की मूल आधारशिला यही है कि बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार पड़े, उन धार्मिक संस्कारों का असर जीवन भर साथ चले, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। आज हरियाणा कला परिषद की तरफ से श्री रवि कुमार सापला जी आज पूरे ग्रुप के साथ, पूरे समूह के साथ आज राम और शंकर जी की स्तुति इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। मैं हरियाणा कला परिषद का भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस सत्कुंभा उत्सव को अपना जो श्रेणी है उनकी, उस श्रेणी में इसको शामिल किया। कि सत्कुंभा उत्सव जो एक बहुत बड़ा उत्सव हरियाणा प्रांत का, उस उत्सव को हरियाणा कला परिषद जो पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो गीता जयंती है पूरे विश्व के अंदर या अन्य सूरज कुंड का मेला है, अन्य जितने भी जो मेले और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा के आयोजित होते हैं वो हरियाणा कला परिषद की तरफ से है। हरियाणा कला परिषद में जितने भी जो कलाकार हमारे समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं, आज जो ये बच्चे, मैं रवि कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बात के लिए जो जगाई है कि भी जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो इस मंच के माध्यम से जागृत हो, ताकि हम अपनी हरियाणी संस्कृति को इस मंच के माध्यम से देश विदेश में पहुंचा सकें। ऐसी मंगल कामना से मैं पुनः हरियाणा कला परिषद का, हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने सत्कुंभा उत्सव को जो है अपने उसमें स्थान दिया है। और जो हमारा एक उद्देश्य था कि भी सत्कुंभा को लोग जाने, हमारा जो सीमित जो एक क्षेत्र हो गया था उससे निकल करके आज पूरे देश में, पूरे विदेश में आज सत्कुंभा उत्सव की धूम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का और बड़े आनंद से इस उत्सव को आप जो है एंजॉय करें, आनंद लें, सुबह देव पूजा का आनंद लें, यज्ञ हवन करें, भोजन प्रसाद करें और सांस्कृतिक उत्सव और श्री राम कथा का गुणगान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।